सभा की दुनिया तैयार हो रही है। मुझे सभा की दुनिया तो कैमरा पकड़ के बैठी हुई है। मुझे कह रही है आप तैयार हो जाए, सुस्ती हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग, वेलकम टू सभा की दुनिया। और आज का व्लॉग जो है वो हम लोग खूब घूमने फिरने वाला करने वाले हैं। और आज जो है ना बड़े मजे की बात है कि कैमरा मैन बड़ा अच्छा सा मिला मुझे। स्टार्ट करते हैं न्यू व्लॉग। खैर आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है। मैं आप लोगों से तैयार होकर मिलती हूँ, फिर बाहर जाते हुए बताएंगे बहुत सारी चीजें करनी है आज। असलम जी से गौर से देखे रहेंगे क्या बताने वाले हैं। बिल्कुल, जब बताऊंगी तो आप भी साथ जब सब लगाएंगे ना, हम लोग गाड़ी के अंदर बताते हैं अक्सर हम कहाँ जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी रेडी होती हूँ, असलम को भी भेजती हूँ रेडी होने, बहुत देर हो गई है, नेस्ती फैलाई हुई है उन्होंने ना, आज उनको उठा के भेजते हैं और जब निकलते हैं तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं मिलती हूँ तैयार होने के बाद। मैं ना हर बार वो खरीदना भूल जाती हूँ, तो मैं बस इसकी ना वो रेट कर दूंगी। कुछ बोले भी, मैं तो दिखा रहा हूँ लोगों को। क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, खुद दो मिनट में तैयार हो सभा की जाए। सभा की दुनिया तैयार हो रही है। मुझे सभा की दुनिया तो कैमरा पकड़ के बैठी हुई है। मुझे कह रही है आप तैयार हो जाए, सुस्ती हो रही है आपको। बात ये है कि मैं तो तैयार होकर बैठ गया, गाड़ी साफ होने चली गई और ये अभी जो है ना बाल को स्ट्रेट कर रही है। हाँ, तो बस मुझे चेंज करना है, आई एम रेडी। यू आर रेडी? यस। ओके, चले नीचे तो ताला लगाए फिर चले। नहीं नहीं, अभी 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तो लगेंगे ना, 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर निकलने के लिए, और निकलते निकलते ना लाइट चली गई, तो अब सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कुछ खुला बना हो सब बंद कर लूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बंद करके फिर जाती हूँ, है ना। एक्स्ट्रा कुछ ना जल रहा हो ना, ये लाइट एकदम आया, झटका मारे तो हो गया काम। खैर अब मैं मिलती हूँ आपसे नीचे, क्योंकि इस्लाम की दुआ करें ज़्यादा, इन तलवार चढ़ाऊँगी ना, तो फिर जो डांट होगी ना वो बड़ी ख़तरनाक होती है। मुझे एक बहुत बड़ी सी आदत है चीज़ें भूलने की, तो मैं चाबी चेक करती हूँ। फाइनली मैंने सब चीज़ें चेक कर ली, ताला लगा दिया है और अब मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे करेंगे बाकी बातें करेंगे रास्ते में। हम निकले बाहर और अरसान अभी यहाँ पे थोड़ी सी छोटी बड़ी चीज़ें खरीद रहे, मैं गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में ना एसी फुल ऑन होना चाहिए, देखें मेरे बाल की सुनने मजे कर करेगा। आज हम बाहर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारा कुछ करना है। वैसे आज कुछ और भी प्लानिंग थी बट पोस्टपोन हो गए हैं, तो फिर सब मदर टाइम मिलते रहेंगे हम रास्ते में से ऑन एंड ऑफ, यू नो। बस फिर जब हम निकले तो रास्ते में खाना पीना तो बनता ही है ना, तो हाईवे को मतलब टूल से पहले ना टच, ये हमारा KFC पड़ता है, KFC का ड्राइव थ्रू हमने यूज़ किया फॉर ईट फॉर समथिंग, यू नो, तो हमने लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये फर्स्ट ही आई गेस ड्राइव थ्रू KFC का मैंने देखा है इन कराची, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो बस यहाँ से हमने कुछ खाने पीने के लिए अपने लिए लिया, और फिर मज़े की बात ये है कि मैं पार्किंग में ही हम लोगों ने फिर थोड़ी देर स्टे किया और वहीं हमने थोड़ा खाया, क्योंकि चलते फिरते खाते हुए मज़ा नहीं आता, थोड़ी देर रुके और फिर हमने खाया। और मैं भूल गई कि जो लिया वो उसको कैप्चर करना था, बट याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर किसी टाइम यू नो ब्लॉगिंग करते करते इन चीज़ों की भी आदत हो जाएगी। तो बस खा पी के ठीक है, फिर हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। और रास्ते में जो है वो हमने फिर क्रॉस किया टूल, तो जब टूल क्रॉस किया था तो सोचा मैंने इसको भी कैप्चर करते हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा लगता है, मज़े का लगता है आप इसके टनल्स में से गुजरें और यू नो कि अच्छे से आप एक हाथ बढ़ाएं और पर्ची ले लें, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस ये हमने कर लिया क्रॉस। लो जाने, अब तो हो गया, हम तो बीच में अटक गए, ये देखिए बीच में अटक गए। तो हम
हम फाइनली पहुंच गए हैं भेड़िया माउंटेन के पास ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए। Here it is. हम देखते पार्किंग पे चलते 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 दूर पार्क कर कर आज हम खुद पैदल चलते चलते आ गए। बस फिर ये अरसलान जो है अपने कैप्चरिंग स्किल दिखाते हुए मेरी पिक्चर मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी क्लिप कैप्चर कर रहे थे बस, तो अच्छा लग रहा था, थैंक यू सो मच। और इसके साथ मुझे जो है ना ये कॉर्नर बहुत क्यूट लग रहा था तो मैंने सोचा इसको जो है वो मैं कैप्चर करती हूँ। फिर जहाँ जहाँ मुझे मौका लगा ना थोड़ा थोड़ा मुझे याद आया कि ओह माय गॉड आई एम ब्लॉगर, तो मैंने उठा के जो है थोड़ी सी क्लिप्स वो है मैं कैप्चर कर लिया। मुझे ये भेड़िया टाउन इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है, एक तो यहाँ रश कम होता है, दूसरा एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको किसी फ्लोर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं और मूव करने की ज़रूरत नहीं है, इन अ वन रूफ यू हैव एवरीथिंग। एक बंदा दो ले जाता है वो एक लेके जा रहा है, चलो ऊपर चढ़ा के चलो बच्चा हाँ पीछे जाना जब हम आए थे ना तो धूप हो रही थी और अब इस वक्त हमारा जो सूरज है वो डूब हो रहा है। इफ यू कैन सी 1500 में आपको बैक हो घर पहुंचने के बाद ये सब ऐसे ऐसे फैला हुआ है, अब इसको संभालना एक और मसला है, लेकिन पहले रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद सारा काम करेंगे। गई फ्रेश हो गई, चाय वाय पी ली, रेस्ट किया थोड़ा सा और ये कहना चाह रही हूँ मैं कि बाकी सारी चीज़ें जो है ना किचन की वो मैंने यहाँ जब कर ली है और इसके अलावा जो स्टफ है वो अभी वहीं पड़ा जहाँ मैंने आप लोगों को पहले दिखाया, तो अब हम इन सब चीज़ों को सेट करते हैं कि आज का जो है ना सारा ब्लॉग मैंने ग्रोसरी शॉपिंग पे ही रखा। ठीक है, तो सब चीज़ें मैं ये सेट करती हूँ और आप लोगों के साथ मिलके करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि फटाफट 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 कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें जो है वो अभी बॉटल्स में नहीं कन्वर्ट करनी है, जो चीज़ें फ्रिज की हैं वो फ्रिज में रख दूँगी, जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखने की हैं तो वहाँ रखती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मिलकर रखते हैं, फिर आप लोगों से करेंगे थोड़ी सी बात उसके बाद। तो फाइनली जो है मैं सारे चीज़ों को समेट के जिन जिनको जहाँ जहाँ रखना था उसको रख लिया, बाकी अभी जो बोतल में डालनी है वो चीज़ों को सारे मैं फिर आराम से ही करूँगी, अभी मैंने सिर्फ साइड कर करके जहाँ जहाँ रखना था रख लिया, उसके बाद मैं सुकून से बैठ गई हूँ, क्योंकि मतलब आप ग्रोसरी खरीदना वो यू नो इतना ईजी काम नहीं है, आपको घूमना होता है फिर ना होता है कि चीज़ देखनी होती है फिर भी आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो ऐसे ही, और लिटरली आज जब मैं गई हूँ तो मुझे एक चीज़ का बड़ा एहसास हुआ है कि जो महंगाई है वो आसमानों तो आसमान पता नहीं कौन से आसमान पर चली गई है, अब मैं उसका जो है मतलब नहीं बता सकती कि कौन से आसमान पर चली गई है, मच टू मच महंगाई हो गई है। खैर अल्लाह पाक सबको इतनी हिम्मत दे कि वो अपने घर की ज़रूरतों को पूरी कर सकें और अल्लाह पाक सबकी ज़रूरतों को पूरा करें, सबको अच्छी अच्छी जो है वो रिस्क दे, इतना रिस्क दे के वो उनको ये सारी चीज़ें जो है उन पर बर्डन ना आए अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर हम सब कुछ खरीद सकते हैं तो अल्लाह पाक सबको इतना दे के वो खरीदें और अपनी जो जायज़ ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि आई एम सो टायर्ड नाउ और बाकी जो काम है वो थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद करूँगी इंशाल्लाह। हाँ मजे की बात जो है वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आज मैं शुरू में मेरे ख्याल से मैं भूल गई हूँ और
मुझे याद ही पता मैंने बोला है, लेकिन आपको इन द एंड बोल रही हूँ, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, मेरे साथ रहिएगा। मुझे बहुत सारा अच्छा, एक बात और करनी थी, सॉरी अभी तो मैं ही नहीं कर सकती, बात ये करनी थी कि मुझे लास्ट जब मैंने अपना मार्क्स को रिमूव किया है उसके बाद मेरा पहला ब्लॉग है, और उसके लिए थैंक यू बोलना बनता है, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा मुझे प्यार दिया उस ब्लॉग में, उस ब्लॉग के लिए, उस चीज के लिए जो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी पर वो मैं कर गई, और मैंने जब किया और जब मुझे आप लोगों का प्यार मिला, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच, जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। आई एम सो हैप्पी टू मतलब रिमूव माई मार्क्स, और उसके बाद जो है रिजल्ट, उसके बाद जो प्यार, उसके बाद जो सपोर्ट आप लोगों का देखा, मुझे ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, मुझे प्यार करें, सपोर्ट दें, और चैनल को एक बार फिर से कह देती हूँ, आज मैंने शुरू में नहीं कहा था, मैं दो दफा कह देती हूँ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ना आसानी से आपको मिल जाए, कुछ भी मिस ना कर सकें आप, तो मैं आप बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स में कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी से शेयर करूं आप लोगों के साथ, और आप लोगों का प्यार बटोरूं। सो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बाय बाय।